If you want a blow dry at home in 15 minutes that looks like this with such insane volume, this is the only video that you need to watch. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to another video. I hope you all are doing fine. Titles आप लोग पढ़ चुके हो कि आज का वीडियो क्या होने वाला है. जब से मैंने ये अगारो का हेयर ब्रश खरीदा था और एक हॉल वीडियो में दिखाया था, मुझे काफी सारे कॉमेंट्स आ रहे थे that you want me to demo it in a video. So yes, today is the video, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहती थी, खुद समझना चाहती थी कि ये कैसे काम करता है. एंड नाउ दैट आई हैव अचीव्ड द परफेक्ट रिजल्ट दैट आई लव क्लियरली, तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ. तो यस, अगर आपको भी एक ऐसा ब्लो ड्राई चाहिए घर पे ही 15 मिनट के अंदर अंदर, सो ये वीडियो जरूर एंड तक देखना. बट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, टेक आउट अ मोमेंट, हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू, सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड. नाउ विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग, लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक क्लीन स्लेट से स्टार्ट करेंगे. एंड फॉर दैट आई हैव वॉश्ड माय हेयर एंड मैंने इसको टॉवल में लपेट के रखा हुआ था. सो इट इज लाइक टॉल ड्राइड हेयर 70-80% ड्राई. एंड इसी पे अब हम अपना ब्लो ड्राई स्टार्ट करेंगे. नाउ दो तरीके होते हैं ब्लो ड्राई के, या तो आप ऐसे जो ब्रिसल वाला ब्रश आता है यू टेक दैट ब्रश एंड यू टेक अ ब्लो ड्रायर, उससे भी आप ब्लो ड्राई कर सकते हो. बट मुझे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बिकॉज आपके दो हैंड्स यूज हो रहे हैं एंड कई बार उतना अच्छे से प्रिसीजन नहीं मिलता, कंट्रोल नहीं मिलता एंड मुझसे नहीं हो पाता उससे ऑनेस्टली अच्छे से ब्लो ड्राई. तो मैं या तो अपने स्ट्रेटनर से एक फेक ब्लो ड्राई इफेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ, अदरवाइज आई यूज दिस ब्लो ब्रश. मतलब ये इतना अमेजिंग इन्वेंशन है, दिस इज लाइक दैट ब्रिसल वाला ब्रश एंड अ ब्लो ड्रायर इन वन एंड ऑल्सो इट इज वेरी वेरी क्विक. सो यस, लेट्स ब्लो ड्राई आवर हेयर यूजिंग दिस. सो लाइक एनी अदर स्टाइलिंग, इसमें भी हम लोग अपने बालों को अच्छे से सेक्शन कर लेंगे. सो इट डिपेंड्स कि आपके बाल कितने थिक हैं, आप उसके हिसाब से सेक्शन करोगे. इफ यू हैव लाइक वेरी वेरी थिक हेयर तो आप 3 सेक्शन कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे 2 ही सेक्शन कर रही हूँ एंड मैं ये टॉप सेक्शन को यहाँ पे सिक्योर कर लूंगी. नाउ दैट इज डन, मैं अपने जो नीचे वाला सेक्शन है उसको भी आई विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स नाउ बिकॉज ऑब्वियसली मुझे बीच में काफी ज्यादा हेयर फॉल हो गया था, सो आई डोंट हैव वेरी थिक हेयर लेफ्ट. तो 2 सेक्शन से काम चल जाता है, बट यहाँ पे भी यू कैन फर्दर डिवाइड इट इनटू 3 or 4 सेक्शंस. एंड देन आप एक सेक्शन को लेके यू विल ब्रश इट, मतलब हल्का सा डिटैंगल कर लो एंड योर हेयर शुड बी डैम्प टू टच, नॉट वेट बट डैम्प टू टच. एंड उसके बाद आप अपना ब्लो ब्रश यूज करोगे. इसमें 3 सेटिंग्स आती हैं. पहली सेटिंग है कोल्ड सेटिंग विद हाई स्पीड एंड बाकी दोनों सेटिंग है हीट वाली. पहले उसमें मीडियम हीट रहती है, थर्ड उसमें हाई हीट रहती है. पहले वाले में मीडियम स्पीड रहती है, सेकंड वाले में हाई स्पीड रहती है. अगर आपके बाल 70-80% ड्राई नहीं है तो आप जो लास्ट वाली सेटिंग है इस पे अपने ब्लो ब्रश को यूज करके अपने बालों को सबसे पहले ड्राई करोगे. सो ऑल यू हैव टू डू इज कि आप इसको हाईएस्ट सेटिंग पे ले जाके इस तरीके से अपने बालों पे इसे ब्रश करोगे 3-4 टाइम्स नीचे से एंड 3-4 टाइम्स ऊपर से. यू विल डू इट लाइक दिस, लाइक वेरी वेरी स्लो, ताकि आपके बाल अच्छे से ड्राई हो जाएंगे. व्हेन इट कम्स टू 70-80% ड्राई तब आप रुक जाओगे. तो इससे अगर आपके बाल स्ट्रेट आउट ऑफ शावर भी हैं तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा. काफी अच्छे से आपके बालों को ड्राई कर देता है एंड इट इज वेरी वेरी क्विक एंड ईजी. बट आपका ड्राई जब हो जाएगा एंड वेन यू कम टू स्टाइलिंग, दैट इज ब्लो ड्राइंग योर हेयर एंड गिव इट दैट स्टाइल एंड दैट शेप एंड दैट बाउंस एंड दैट वॉल्यूम ऑल ऑफ दैट, तब आप लोग यूज करोगे सेकेंड वाला विच इज मीडियम हीट एंड मीडियम स्पीड. हाई हीट पे बिल्कुल भी नहीं करना है. सो ऑलवेज गो फॉर द मीडियम हीट सेटिंग वेन एवर यू आर स्टाइलिंग योर हेयर. सो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके बाल जो फ्रिजी है उस फ्रिज को टेम करने के लिए आपको मीडियम ही स्पीड पे अपने ब्लो ब्रश को ऊपर वाली साइड पे अच्छे से धीरे धीरे चलाना है सो दैट ऑल द फ्लाई अवेज आर टेम्ड. एंड देन सिमिलरली उसी सेम सेटिंग में नाउ यू हैव टू पुट द ब्लो ब्रश अंडर योर हेयर एंड यू विल कीप रोटेटिंग द ब्रश ताकि आपके हेयर को वो बाउंस वॉल्यूम एंड वो एक कर्ल मिले. जैसे ही आप नीचे एंड की तरफ पहुंच जाओगे अपने सारे बालों को ब्लो ब्रश में ऊपर की तरफ को लेके आना एंड देन
होल्ड योर ब्लो ब्रश स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल पे एंड देन पुल नीचे की तरफ को, यू हैव टू पुल एंड कीप ट्विस्टिंग इट. तो उससे आपको इस तरीके का ऐसा कर्ल वाला इफेक्ट मिलेगा एंड इसको जब आप लास्ट में ब्रश आउट करोगे सो दिस इज व्हाट विल गिव यू दैट फ्रेश ब्लो ड्राई इफेक्ट. सो द सेम थिंग यू हैव टू रिपीट ऑन दिस साइड एज वेल. एंड नाउ दैट नीचे के पूरे बालों को आपने अच्छे से ब्लो ड्राई कर लिया है, नाउ यू गोना मूव टू द टॉप सेक्शन. नाउ टॉप सेक्शन में आई गो विद द मिडल पार्ट एंड मैं पहले एक साइड करूंगी एंड आई विल टक दिस वन एज इट इज. सो अगेन सबसे पहले आई विल रन अ ब्रश थ्रू इट एंड बिकॉज मेरे क्राउन वाले जो बाल हैं वो अभी ज्यादा वेट हैं, सो अगेन आई विल dry them up first high speed pe and then I will style them. Okay, so as you saw ki maine apna ye wala section similar tarike se blow dry kiya and this section I am not going to touch right now. इसको लास्ट में स्टाइल करेंगे. सो आई विल जस्ट कीप इट एज इट इज राइट नाउ. नाउ आई विल डू द सेम प्रोसेस दिस साइड. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो नाउ दैट ऑल ऑफ माय हेयर इज ऑलमोस्ट ब्लो ड्राइड आई विल टेक दिस फ्रंट सेक्शन जो मैंने दोनों साइड से छोड़ा था थोड़ा थोड़ा. दिस हैज टू बी स्टाइल फॉर बाउंस. ब्रश को सबसे पहले आप अपने हेयर में नीचे की साइड से यू विल कर्ल इनवर्ड्स ताकि जितना भी फ्रिज है वो रिमूव हो जाए. And once that process is done, and then upar ki taraf se curl them outwards, upar pakad ke rakho and give it a cold shot. And thode der ke baad just shut the blow brush and voila, this is the result. Look at the volume, look at the blow dry. So this is what my hair looks like right now. And it just looks very pretty. I just love this way of blow drying my hair. It just looks very very pretty and presentable. Plus सारा का सारा frizz हट जाता है. The volume is incredible and insane. 15 minute के अंदर अंदर you will get a blow dry that looks like this with such volume. And what else do you need? And वो भी बहुत ज्यादा easy हो जाता है. So yes, this is what I have been doing lately to you know maintain my hair. So manage them properly and you can do it too. ये जो मैं hair brush use करती हूँ ये है अगारो का, मैं इसे नीचे link कर दूंगी, non sponsored by the way. But इस hair brush के बहुत सारी चीजें जो मुझे पसंद आती है, बहुत सारी चीजें that not only dislike but I hate about this hair brush. Let me know अगर आप इस hair brush का एक review video चाहते हो तो मैं वो भी कर दूंगी, मुझे comments में बताना. But yes, this is how you blow dry your hair at home. This was all for today's video. I hope आपको आज का video पसंद आया हो. अगर अच्छा लगा तो like, share, comment and subscribe. मुझे नीचे comments में बताना what are the videos you want to see. And yeah, I shall see you super super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.